गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। लॉकडाउन में भी आप लोग अपने स्टडी को पूरी तरह से कायम रखे होंगे। आपके स्टडी को ही और हेल्प करने के लिए मैं कुछ वीडियोज आप लोग इस एक्सलेंस क्लासेज बिरोल के यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियोज आप लोग के लिए अवेलेबल करा रहा हूँ। स्पेशली 12 के इंग्लिश को के सिलेबस को और उससे संबंधित जो बातें हैं उसको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ग्रामर को पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें होती है। इंग्लिश का नाम सुनते ही स्टूडेंट के मन में एक अलग तरह का भय हो जाता है, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट करूंगा और कुछ बेसिक बातें बताऊंगा जो इस बार 12 के अपकमिंग बोर्ड का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट को बहुत फायदा करेगा। विशेष रूप से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी हम इंग्लिश की शुरुआत करते हैं तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या सब पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली होता यह है कि कोई भी सब्जेक्ट सुनते ही हमारे मन में उससे रिलेटेड सभी तरह की बातें आने लगती है, और स्पेशली इंग्लिश सुनते ही लगता है क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों के मन में एक अलग तरह का खौफ भी रहता है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 12th इंग्लिश की जब भी हम बात करते हैं तो हमें उसमें किन सब चीजों पर फोकस करना चाहिए। एक्चुअली इंग्लिश को हम लोग एक ही तरीके से देखते हैं, ऐसा नहीं है। इंग्लिश को हमें अलग अलग तरीके से देखना होगा। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि इंग्लिश कई तरह का है। अगर हम बड़े बड़े स्तर पे बांटे तो मुख्य रूप से हम तीन तरीके से बांट सकते हैं। एक तो आपका है बोर्ड से रिलेटेड इंग्लिश, दूसरा आपका है जो आप 12th पास करने के बाद कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, जैसे एसएससी का या बैंक का या यूपीएससी का या एमबीए का कोई भी एग्जाम देते हैं, और एक तीसरा इंग्लिश जिसे लेकर स्टूडेंट बहुत ज्यादा ठगाते भी हैं और जिसका स्टूडेंट में बहुत ज्यादा क्रेज भी है, वो है स्पोकन इंग्लिश, जिसको लेकर हमारे मन में अक्सर डर भी रहता है। आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये तीनों इंग्लिश डिफरेंट है। आप ऐसा नहीं है कि आपका बोर्ड इंग्लिश ठीक हो जाएगा तो आप कंपटीशन में बहुत अच्छे मार्क ले आइएगा, या ऐसा नहीं है कि जिसका स्पोकन इंग्लिश बहुत ही वेल है वो 12th के बोर्ड में बहुत बढ़िया मार्क ले आएगा, क्योंकि बोर्ड का सिलेबस बिल्कुल ही डिफरेंट है। कंपटीशन का इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन बहुत ही हद तक ये भी इससे अलग है, और स्पोकन इंग्लिश एक अलग तरह का चीज है। अभी जब हम पढ़ रहे हैं 12th इंग्लिश बारे में तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सा टॉपिक सब पढ़ना है, क्योंकि मैं स्टूडेंट को देखता हूँ कि अक्सर वो जिस चीज को पढ़ता रहता है वो एग्जाम में आता ही नहीं है। इंग्लिश का नाम सुनते ही बचपन से की तरह हम लोग नॉन की परिभाषा रटते रहते हैं, टेंस के कितने टाइप्स हैं, अक्सर स्टूडेंट और टीचर प्राउडली बोलता भी है कि टेंस का चैप्टर मैंने 3 महीने तक कंटिन्यू पढ़ा है, नॉन के टाइप्स, प्रीपर नॉन के टाइप्स। बच्चों को तो मैंने यहां तक देखा है कि अगर नॉन के 5 टाइप्स में अगर एब्स्ट्रैक्ट नॉन को पहले बोलते और प्रॉपर नॉन को बाद में बोले तो बच्चों को ऐसा लगता है कि उसने गलत बोल दिया है, और फिर उसके डेफिनेशन, फिर उसके पहचान, इस सब को रटने में बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। इसलिए आपको क्लियरली आज इस वीडियो को देखने से ये पता चल जाएगा कि हमें बोर्ड के लिए जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें किन सब चीजों को फोकस करना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो कोई भी सब्जेक्ट बस पढ़ते जाते हैं, उसके सिलेबस को नहीं देखते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखते। इसलिए आप कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। जैसे आप 12th इंग्लिश को जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप 2009 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन को देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उससे आपका बहुत सारा मेहनत बच जाएगा, क्योंकि आप जिन चीजों को पढ़ते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, एक्चुअल में वो हमारे एग्जाम में आता ही नहीं है, आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा बच जाएगा, और कम टाइम में बहुत ही आप स्मार्टली पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि अब जमाना हार्ड वर्क का नहीं है, स्मार्ट वर्क का है। स्मार्ट वर्क करने के साथ साथ हार्ड वर्क करने के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो चलिए हम समझते हैं, अगर हम बिहार बोर्ड के इंग्लिश के सिलेबस को देखें तो मुख्य रूप से हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक ग्रामर का पोर्शन है और एक लिटरेचर का पोर्शन है।
इसके अतिरिक्त हम एक और पोर्शन को देख सकते हैं, कंप्रीहेंशन। कुछ चीजों को हम इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। करीब करीब अगर डिवाइड किया जाए तो 50% मार्क इससे पूछा जाता है, करीब करीब 40-50 मार्क ग्रामर से आते हैं, कुछ क्वेश्चन लिटरेचर से आते हैं, और कंप्रीहेंशन में मैं 2-3 चीजों को इंक्लूड करूंगा, हालांकि उसको लिटरेचर के अंतर्गत भी आप रख सकते हैं, जैसे एसे, जैसे लेटर, जैसे पैसेज। पैसेज को सॉल्व करना रहता है, अनसीन पैसेज, आपको पैसेज दिया रहेगा और उसी में आंसर दिया रहता है और आपको ढूंढना होगा। इसके अतिरिक्त आपको प्रीसेज, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंप्रीहेंशन के अंतर्गत आता है। लिटरेचर में अगर आप 2017 तक का सिलेबस देखें तो अलग तरह का है, लेकिन 2018 से चेंज हो गया है। कुछ चीजें ऐसी है जो 2017 तक एग्जाम में आता था, लेकिन 2018 से पैटर्न बदल गया है। जैसे 2017 तक केवल इससे समरी पूछा जाता था, लेकिन 2018-19-20 में लिटरेचर से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, जो पहले 10 में पूछा जाता था लेकिन अब 12 में पूछा जाने लगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ये लगेगा। सेकंड, इससे समरी पूछा जाएगा। 2017 तक समरी पूछने का तरीका अलग था, 15 मार्क के समरी आते थे, समरी अब भी आते हैं, पढ़ना आपको उतना ही पड़ेगा लेकिन इसका मार्किंग घट गया है, 5 मार्क का केवल समरी पूछा जा रहा है। इसके अतिरिक्त तीसरा टाइप एक्सप्लेन आएगा, आपको प्रोज एंड पोएट्री से लाइन दे देगा और उस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना होगा कि वो लाइन आखिर क्या कह रहा है। जैसे कि आप हिंदी में पढ़ते हैं, जैसे कबीर का कोई दोहा दे दिया और आप उसको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि इस दोहा का निहितार्थ क्या है, उसी तरह इंग्लिश में भी कोई पोएट का लाइन दे देगा या प्रोज का लाइन दे देगा, उसको एक्सप्लेन करना होगा अच्छे से कि उसके कहने का मीन्स क्या है। कभी कभी लाइन किस चैप्टर से लिया गया है ये भी आपको मतलब ढूंढने के लिए कहा जा सकता है। ये पैसेज ये प्रोज से भी आता है, पोएट्री से भी आता है, काफी हल्का होता है, अगर आप एक दो बार अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा एक्सप्लेन। ये हमारे सिलेबस का ये मिला के करीब 50% हिस्सा कवर करता है। अक्सर बच्चे ग्रामर पढ़ के ही समझ लेते हैं कि उनका सिलेबस हो गया, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा तो आप देखिएगा कि हमारा 50% जो है वो लिटरेचर ही कवर करता है, लेकिन इसको पढ़ने में उतना ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। अगर आप वीक में 2-3 दिन भी लिटरेचर पे टाइम दें तो काम हो जाता है। ये ग्रामर बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि लिटरेचर तो आपको केवल 12 तक ही साथ देगा, लेकिन अगर आपका ग्रामर वाला पोर्शन मजबूत हो जाएगा तो 12 के बाद भी जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, जैसे कोई भी एग्जाम आप देते हैं एनडीए का या बैंक का या यूपीएससी का, तो यही ग्रामर आपको काम आएगा। ये वाला पोर्शन तो लिटरेचर वाला पोर्शन तो 12 के बाद ही समाप्त हो जाएगा। हाँ, इस कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन फिर से आपको देगा, कंपटीशन में भी काम देगा, क्योंकि एससी आजकल हर कंपटीशन में पूछा जाता है। यूपीएससी का तो एक पेपर ही केवल एससी का है जो 250 मार्क कवर करता है, और आजकल अधिकांश एग्जाम में पीटी और मेंस के बाद एक डिस्क्रिप्शन टेस्ट जोड़ दिया है जिसमें एससे फिर लेटर पूछा जाता है। और अधिकांश एग्जाम में आप देखिएगा, जैसे बैंक पीओ में भी आप देख सकते हैं या सीजीएल में भी, पैसेज सॉल्विंग पे बहुत जोर दिया जाता है। 200 मार्क में 40 मार्क का तो केवल पैसेज ही रहता है कभी कभी, इसलिए ये कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये आगे भी बहुत काम देगा। और बच्चे मुख्य रूप से इसी से डरते हैं, बच्चे का ग्रामर ठीक हो जाता है, लिटरेचर को याद कर लेते हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन बिहार बोर्ड के बच्चों का बहुत वीक रह जाता है, क्योंकि वो ऐसे पे 5 लाइन भी ढंग से नहीं लिख पाते हैं। तो ये मोटा मोटी हम लोग का, अगर हम मोटा मोटी तौर पे देखें तो ये सिलेबस है। अभी हमें ग्रामर में समझना है कि ग्रामर में हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि ग्रामर में चैप्टर कई सारा है। ग्रामर सुनते ही हमारे मन में कई सारे ग्रामर उभरने लगते हैं, केपी ठाकुर का ग्रामर, मुसंत का ग्रामर, ऑक्सफोर्ड का ग्रामर, कई सारे चैप्टर है उसमें, फिर बचपन से हम लोग इतना ग्रामर पढ़े हैं, 25-26 चैप्टर है। लेकिन मेरे प्रिय दोस्त, मैं आपको बता दूं कि इतना सारा चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल 8-10 चैप्टर पढ़ना है, उसे कंटिन्यूअसली रिवाइज करना है। आप 1 महीने में या 2 महीने में अगर उन चैप्टरों को अच्छे से पढ़े तो आसानी से कवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए हमारे एग्जाम में क्या आता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। अभी मैं आपको ग्रामर के सिलेबस को एक्सप्लेन करूंगा। चलिए मेरे प्रिय दोस्त, अब सबसे पहले हमको ग्रामर में देखते हैं। अगर ग्रामर को मैं मोटे तौर पे बांटूं एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो 2 तरीके से बांट सकता हूं।
एक है जो सीधे एग्जाम से रिलेटेड है और एक जो है वो फंडामेंटल ग्रामर है। कुछ ऐसे टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं बट एग्जाम में तो नहीं आते, वो हमारे जानकारी के लिए होना चाहिए क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ग्रामर, ये चीज हमें पता होना चाहिए क्योंकि ग्रामर सुनते ही लोगों के मन में ख्याल आ जाता है नॉन प्रोनाउन ये सब, तो ये फंडामेंटल ग्रामर है, ये आपके लिए समझना जरूरी है बट एग्जाम में इससे कुछ नहीं आता। और कुछ ऐसे टॉपिक है जो सीधे आपके एग्जाम को हिट करेगा, वो एग्जाम रिलेटेड टॉपिक। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहा है और कौन सा टॉपिक बस आपको जानकारी के लिए पढ़ना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक ये टॉपिक आपको रिवाइज करते रहना है, ये एग्जाम रिलेटेड वाला टॉपिक बार बार आपको पढ़ना है। और इससे फिक्स भी है कितना कब किस मार्क कितना मार्क किस टॉपिक से आता है। और ये जो फंडामेंटल ग्रामर है ये आपको बस जानकारी के लिए पढ़ना है, इसको पढ़ना है और दिमाग में रखना है बट एग्जाम तक इसको नहीं रिवाइज करना है। जब भी एग्जाम का 3-4 महीना बचे, मतलब जैसे कि अक्टूबर क्रॉस करे, तो आपको बस एग्जाम रिलेटेड टॉपिक ही पढ़ना है, भूल से भी फंडामेंटल ग्रामर नहीं पढ़ना है। आपको फंडामेंटल ग्रामर का एक छोटा सा कॉपी बना लेना चाहिए, उसको रखना चाहिए और ये एग्जाम रिलेटेड टॉपिक बार बार पढ़ना चाहिए। जब भी इसमें आप कोई चीज नहीं समझते हैं, जैसे मान चलिए आप टेंस पढ़ रहे हैं पर्सन आपको समझ नहीं आ रहा है, या आप नरेशन पढ़ रहे हैं आपको पर्सन में दिक्कत हो रहा है नंबर में दिक्कत हो रहा है, तो फटाफट फंडामेंटल ग्रामर वाला कॉपी खोलिए, वहां से देख लीजिए पर्सन क्या है फर्स्ट पर्सन क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप टेंस में पढ़ेंगे कि थर्ड पर्सन के साथ डिफाइन का प्रयोग होता है, तो आपका अगर वहां नहीं याद आ रहा है कि थर्ड पर्सन के अंतर्गत कौन कौन वर्ड आएगा, तो आप फंडामेंटल वाले ग्रामर से देख लीजिए थर्ड पर्सन में ही सिंगल और सिंगल नेम आता है, लेकिन आपको काम तो यही देगा कि थर्ड पर्सन के साथ डिफाइन लगता है, इसलिए आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए। ग्रामर में कुल मिला के 18-19 टॉपिक है, आधा टॉपिक जो हमें है जो भारी भरकम हिस्सा ग्रामर के 80% हिस्सा छेक के रखता है, 70% से ऊपर कह सकते हैं वो केवल फंडामेंटल ग्रामर है, और जो 50% करीब हिस्सा छेक के रखा है वो एग्जाम रिलेटेड टॉपिक है। जैसे सबसे पहले हम लोग बचपन से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं बचपन से जो हम डेफिनेशन याद करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो फंडामेंटल ग्रामर में आता है। अब इसमें कई सारा चीज हम लोग पढ़ते हैं छोटा छोटा चीज जो एग्जाम में नहीं आता है, जैसे लेटर क्या है वोवेल क्या है कंसोनेंट क्या है और भी बहुत सारा चीज जैसे सेंटेंस क्या है, बहुत सारा डेफिनेशन है हम लोग लंबा वक्त देते हैं, ये सब एग्जाम में नहीं आता है। आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि व्हाट इज लेटर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर व्हाट इज कंसोनेंट व्हाट इज वोवेल। मैं बच्चों को देखता हूँ याद करते रहते हैं कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, कितना सारा वक्त इस पे देते हैं, वोवेल क्या है कंसोनेंट क्या है उसका इंग्लिश में डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसका हिंदी लिखते हैं, फिर उसको कलर करते हैं, फिर उसको याद करते हैं, 3 बजे रात के इसका डेफिनेशन याद कर रहे हैं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में एक नंबर का भी डेफिनेशन नहीं आता है, इसलिए आपको डेफिनेशन तो याद ही नहीं करना है बोल से, वो बस जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर इसके जितने सारे पार्ट हैं जैसे कि नाउन जैसे कि प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन। अब देखिए पार्ट ऑफ स्पीच और पार्ट ऑफ स्पीच में जितने पार्ट हैं जैसे कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, ये सभी फंडामेंटल ग्रामर में आते हैं। इसमें से एक दो टॉपिक ऐसा है जो 2017 तक तो हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता था लेकिन अब उससे पूछा जाने लगा है, इसलिए इसमें से एक दो टॉपिक को मैं इधर से निकाल के उधर डालूंगा जो अब एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे प्रीपोजिशन 2017 तक आप क्वेश्चन पलट के देख लीजिए, 2009 से लेकर 2017 तक में एक नंबर का भी क्वेश्चन 100 नंबर वाले इंग्लिश में प्रीपोजिशन से नहीं पूछा है, लेकिन अभी 2018-19-20 में एग्जाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रीपोजिशन से पूछा जाता है और कंपटीशन में भी प्रीपोजिशन चैप्टर काफी इंपोर्टेंट है, इसलिए प्रीपोजिशन आप फंडामेंटल ग्रामर में भी आप रख सकते हैं और इसको एग्जाम रिलेटेड टॉपिक में भी डालना होगा। फिर इधर से वर्ब
इस सात टॉपिक में एक भाग और एक प्रीपोजिशन, ये तो ऐसा टॉपिक है जो कि अब आपको एग्जाम रिलेटेड टॉपिक में डालना होगा, क्योंकि भाग के टाइप जैसे कि मोडाल वर्ब, फिर भाग से ही रिलेटेड हमारा महत्वपूर्ण हिस्सा टेंस हो जाता है, तो टेंस भी एग्जाम रिलेटेड टॉपिक में है। तो ये जितने सारे टॉपिक है जैसे कि मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच बेसिक में आप जितना पढ़ते हैं, लेटर वोवेल सेंटेंस ये सारे, जैसे कि नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव, फिर नॉन के टाइप्स आप पढ़ते हैं, प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ते हैं, एडजेक्टिव के, अभी तो मुझे भी नहीं याद है कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स हैं, अब इसको लोग क्रम में याद करते रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, ये जितने सारे प्रोनाउन के टॉपिक हैं, फिर इसी तरह एडजेक्टिव के टाइप्स याद करते रहते हैं, वर्ब के हम लोग टाइप्स याद करते हैं, 6 टाइप्स, किसी ग्रामर में 7 टाइप्स, कहीं 8 टाइप्स, ये जितने सारे ये फंडामेंटल ग्रामर में, ये आपको एग्जाम में कभी नहीं आएगा कि व्हाट इज प्रोनाउन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, या ये भी नहीं आएगा व्हाट इज नाउन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, ये फंडामेंटल ग्रामर में है, बट जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको, अब कैसे पता होना चाहिए मैं आपको बताता हूं, जैसे एग्जाम रिलेटेड टॉपिक में हमारा एक टॉपिक है आर्टिकल, अब आर्टिकल में जैसे आप रूल पढ़ेंगे कि सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है, अगर आपको अगर नॉन का टाइप ही नहीं पता है कि कॉमन नाउन क्या होता है तो आपको वो रूल समझ में नहीं आएगा, तो इसका बस यही यूज है कि हम देख के पहचान लें कि कॉमन नाउन कौन सा है, जैसे कि हम देख के समझ जाए कि ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, लेकिन इससे सीधे सीधे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, इधर बहुत सारे टॉपिक है जिसमें इसका यूज होगा, तो इसे बस हम जानकारी के लिए पढ़ेंगे, तो ये समझ में आ गया आपको, कुछ और टॉपिक्स इसमें है। अब देखिए फंडामेंटल टॉपिक में अब कुछ और टॉपिक को भी हम लोग डाल सकते हैं, जैसे सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, अब सेंटेंस के 5 टाइप्स हैं, इसका बार बार यूज होता है, जैसे नरेशन में भी होता है, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस का अलग नरेशन चेंज होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अलग चेंज होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अलग तरीके से चेंज होता है, और इंपरेटिव सेंटेंस का अलग तरीके से चेंज होता है, लेकिन कहीं डायरेक्ट सेंटेंस से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आप सेंटेंस देख के आप समझ जाएं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कि असर्टिव सेंटेंस है, या इंपरेटिव सेंटेंस है, आपको समझ में आना चाहिए, इसकी पहचान वगैरह आपको पता होना चाहिए, बट ये फंडामेंटल टॉपिक है, सीधे सेंटेंस से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा। अगला पंक्चुएशन, पंक्चुएशन में भी एक लंबा चौड़ा चैप्टर है, आपको पता होना चाहिए यूज इसका, जैसे फुल स्टॉप का कहां यूज होता है, कोमा का कहां यूज होता है, सेमी कोमा का कहां यूज होता है, इन्वर्टेड कोमा का कहां यूज होता है, जैसे कि क्वेश्चन मार्क है तो कहां यूज होता है, जैसे कि एक्सक्लेमेशन साइन का कहां यूज होता है, लेकिन ये एग्जाम में आपको नहीं टेस्ट करेगा कि साइन बताइए कहां पंक्चुएशन में से किसका कहां यूज होगा, बट एक अच्छा इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बेसिक जानकारी के लिए सब आपको पता होना चाहिए, बट नहीं पता है तो 12th में कोई मार्क्स नहीं इससे कटने वाला है, कोई बच्चा अगर शॉर्टकट में कैरी करना चाहे तो इस सब चैप्टर को स्किप कर सकता है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए होल एंड सोल पढ़ेंगे तो, बट एग्जाम में कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन पैड से अभी तक 2009 से 2020 तक में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, बट ये भी ग्रामर का एक चैप्टर है, हर एक ग्रामर में इंक्लूड है, और वर्ड फॉर्मेशन, फिर वर्ड के टाइप, जैसे कि आप ऑक्सफोर्ड करंट ग्रामर पलटिएगा तो पहला चैप्टर ही है लंबा चौड़ा चैप्टर, उसमें स्ट्रक्चर क्लासेज वर्ड, फॉर्म क्लासेज वर्ड, और बहुत सारा उसका टाइप दिया हुआ है, 5-7 चैप्टर 5-7-10 पेज उसमें है, अगर कोई बच्चा पढ़े तो उसी को 15-20 दिन में समझेगा, बट उससे अभी तक एक मार्क का भी क्वेश्चन नहीं आया है, आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं बट कोई खास यूज नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा फंडामेंटल टॉपिक्स, ये सब टॉपिक आपको पढ़ना है, लेकिन इस सब पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, ये शुरुआती 1-2 महीने में आपको पढ़ना है, इसका अगर टॉपिक बना के रख लेना है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए ताकि वो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन एग्जाम का जब भी 2-3 महीना बचता है तो ये सब टॉपिक आपको रिवाइज नहीं करना है, इधर जो हमने बताने वाला हूँ टॉपिक उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। तो चलिए अब हम समझते हैं एग्जाम टॉपिक के बारे में, आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपोर्टेंट यही सब टॉपिक है, एग्जाम रिलेटेड टॉपिक, ये सीधे एग्जाम में आएगा, अगर मैं इसको इसके प्रायोरिटी के लिस्ट में अगर सजाऊं तो सबसे पहला जगह मैं टेंस का दूंगा, आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपोर्टेंट टेंस ही है, मतलब अगर आपका एग्जाम एक गाड़ी की तरह हो तो उसका पहिया टेंस है, बिना टेंस के आप खिसक ही नहीं सकते हैं, टेंस से अगर 5 ट्रांसलेशन पूछा जाता है कभी भी तो एग्जाम में आप देखिएगा 4-3-3 तो हर बार ही, कभी कभी 5 भी, केवल टेंस से ही रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स अगर पूछा जाता है तो अकेले टेंस से 5 नंबर 7 नंबर कभी कभी 10 नंबर का, और 2017 तक तो फिर
सी था, 3 नंबर का टेंस से आता था। और टेंस को बिना समझे हुए इसके बाद जितने सारे हमारे टॉपिक हैं, चाहे वो नरेशन हो चाहे वॉइस हो, आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए टेंस को मैं भी नहीं कहूंगा, इसको आप दिल में बसा लीजिए कि टेंस आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि टेंस में हमें पढ़ना क्या है। बच्चे जो पढ़ते रहते हैं उनको एग्जाम में नहीं आता। जैसे हम लोग पढ़ते रहते हैं ताते ती प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान है, लेकिन कभी आपको एग्जाम ये नहीं आएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या है। बच्चे पढ़ते रहते हैं कि मैं तो ये भी देखता हूँ प्रेजेंट टेंस का लोग डेफिनेशन याद करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है उसका डेफिनेशन 3 तरीके से याद कर लेते हैं और उसमें इतना सारा टाइम लेते हैं। आज तक कभी एग्जाम में नहीं आया है कि व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आप ये मान के चलिए कि कभी भी नहीं आएगा। आपको इस सब का एप्लीकेशन पता होना चाहिए। जब भी आप कोई चीज देखते हैं ना, आपको एक चीज पता होना चाहिए, हमारा एग्जाम केवल एप्लीकेशन बेस्ड पूछता है। जैसे आपको ये पता होना चाहिए टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो V1 का कहां प्रयोग होगा, V5 का कहां प्रयोग होगा, V3 का कहां प्रयोग होगा। अब ये नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का डेफिनेशन तो पता है, पहचान पता है, लेकिन जब एग्जाम में आ गया राम ऑलवेज खाली स्थान ट्रुथ, अब पता ही नहीं है कि इसमें स्पीक भरना है कि स्पोक भरना है कि स्पोकन भरना है, क्योंकि यहां तो समझ में ही नहीं आ रहा है ताते की या कुछ डेफिनेशन से तो आइडिया नहीं लग रहा है। हाँ, इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि ऑलवेज के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और यहाँ थर्ड पर्सन है तो V5 होगा तो स्पोक्स। आप कुछ कीवर्ड्स याद कर लेंगे ना, मतलब 2-3 क्लास अगर टेंस के स्पेसिफिकली देख लें तो आपको टेंस का 1 नंबर का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन बच्चे लोग 3-3 महीना पढ़ते रहते हैं, लोग प्रॉब्लम बोलते हैं मैंने टेंस 3 महीना पढ़ा है, बट एग्जाम के क्वेश्चन देखते हैं तो पढ़े तो कुछ और ही थे, आ कुछ और ही रहा है। ये इसलिए होता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं देखते हैं। सो काइंडली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, इससे आपका स्मार्ट प्रिपरेशन होगा और आपका काफी टाइम बच जाएगा। आप केवल टीचर को फॉलो नहीं करें, ग्रामर को फॉलो नहीं करें, बल्कि मतलब आप प्रीवियस ईयर के थ्रू पढ़ें, क्योंकि टीचर भी आपको ऐसा नहीं है कि हर उस सभी की जानकारी देगा। आप प्रीवियस ईयर के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा आपको टीचर एग्जैक्ट पढ़ा रहा है कि नहीं और आपका टाइम भी सेव होगा। तो आपको टेंस को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ना है। दूसरा, आपके एग्जाम के एंगल से 2017 तक तो नहीं लेकिन 2018, 19 और 20 के एंगल से प्रीपोजिशन काफी इंपोर्टेंट टॉपिक हो गया है। माय डियर फ्रेंड्स, आप प्रीपोजिशन को बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि आपको केवल 12th में नहीं, 12th के आने का बाद का भी जो मतलब आपको प्रीपोजिशन बहुत ही काम देगा। चाहे सीजीएल का आप एग्जाम देने जाइएगा, किसी भी कोई भी एग्जाम, तो फिल इन द ब्लैंक्स में और कॉमन इन लर्निंग प्रीपोजिशन का एक अहम रोल होता है। और मैं अक्सर क्लास में स्टूडेंट को कहता भी हूं कि ग्रामर में तीन रहस्यमयी चैप्टर है, अगर इस 3 चैप्टर को कोई अच्छे से समझ ले तो उसको ग्रामर में एक सिंगल मिस्टेक वो नहीं करेगा। एक तो प्रीपोजिशन, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं एट, इन, ऑन, बिटवीन, अमंग, और इसके बाद भी अगर इसका यूज पता चले तो भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कहां क्या प्रयोग करेंगे। एक आर्टिकल में अक्सर लगता है कि ये दौर कहां से लग गया। अभी लोग इतना रूल पढ़ने के बाद भी अक्सर, मैं तो क्लास में बोलता भी हूं कि अक्सर विद्यार्थी दिल की आवाज के दौर का प्रयोग करते हैं कि लगता है नहीं, यहां लग रहा है कि दौर लग जाना चाहिए, यहां लग रहा है कि एक्ट लगना चाहिए, इतना पढ़ने के बाद भी विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए आपको प्रीपोजिशन चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। अभी आपके एग्जाम में 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन केवल प्रीपोजिशन से आ रहा है और आगे भी काफी इंपोर्टेंट है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। मैं आपको प्रीपोजिशन पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आई होप अगर आपको अच्छे से देखेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, क्योंकि हर बार ये स्टूडेंट सर एग्जाम देता है। मैं पूरा प्रीपोजिशन डिटेल से पढ़ाता हूँ, लास्ट में एक क्लास पढ़ाता हूँ जिसमें बोल देता हूँ कि आप बस ये लास्ट क्लास भी देख लीजिए तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मैं देखता हूँ कि इजिली प्रीपोजिशन जैसे डिफिकल्ट टॉपिक में भी बच्चे अच्छे से क्वेश्चन करके आते हैं। तीसरा अगर मैं कहूँ प्रीपोजिशन के बाद, जैसे टेंस हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, उसके बाद एक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन स्टूडेंट नरेशन पे भी और ट्रांसलेशन बनाते हुए भी केस चैप्टर से बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि बच्चा को अक्सर ये बहुत ही कंफ्यूज लगता है कि कभी अपना के लिए माई इस्तेमाल हो जाता है, कभी मेरा के लिए आय आ जाता है, तो कहीं आय नहीं आता, मेरा के लिए माय आ जाता है, कहीं अपना के लिए हिम आ जाता है, कहां ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हो, कहां सब्जेक्टिव केस हो, कहां पॉसेसिव केस हो, क्योंकि बचपन में हम लोग सीधा याद कर लेते हैं कि माय का मतलब मेरा, मी का मतलब मुझे, लेकिन जब हम अच्छे से तैयारी करते हैं पता चलता है मेरा का तो माय काम ही नहीं कर रहा, कहीं मेरा के लिए आय आ रहा है, कहीं मी आ रहा है,
कहीं उसको के लिए ही आ रहा है, कहीं ही आ रहा है, कहीं ही जा रहा है। अपना के लिए हम याद कर लेते हैं हम, लेकिन हम देखते हैं ग्रामर में हम तो काम ही नहीं कर रहा, कहीं माई लग रहा है, कहीं देर लग रहा है। तो ये केस चैप्टर आपको काफी अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो नैरेशन आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा। ये केस बहुत ही आपको अच्छे से पढ़ना है, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। मैं केस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि केस काफी बच्चे को कंफ्यूज करता है। उसके बाद आपका चैप्टर सर है, पहले भाई सबसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब मार्किंग घट गया है, 2 मार्क का पूछा जाता है। फिर आपका नैरेशन है, लेकिन ये वॉइस और नरेशन चैप्टर इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दोनों चैप्टर आपको 12 के बाद की साल निकल सीजीएल के एग्जाम में वॉइस और नरेशन से 10-10 मार्क का क्वेश्चन करता है। इसलिए वॉइस और नरेशन अगर आप बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं तो आगे सीजीएल के एग्जाम में भी, एनडीए के एग्जाम में भी, और बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में ये वॉइस और नरेशन का चैप्टर आपको आगे काम देने वाला है। इसके बाद कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो 2017 तक जिससे क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन 2018, 19 और 20 में पूछा गया है, जैसे कि आर्टिकल्स। आर्टिकल से 2017 तक 1 मार्क का भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 2018, 19, 20 में 4-4 मार्क तक का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चैप्टर भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। ये तो सीधे रूल बेस्ड चैप्टर है, अगर आप अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको काम देगा, और कॉमन ईयर भी आर्टिकल्स का आगे भी यूज होगा, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर भी पढ़ना है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ चैप्टर है, पहले आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें 6 चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, टेंस का, प्रीपोजिशन का, केस का, वॉइस का, नरेशन का, आर्टिकल्स का। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छे से देखिए, अगर आपको समझ में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। आई होप आप वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आपके कई सारे डॉट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि बच्चे अब सीधे पढ़ने लगते हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो आप अच्छे से देखिए, चलिए और भी कुछ टॉपिक मैं बताता हूँ। अब देखिए, इस 6 टॉपिक के अंदर कुछ और टॉपिक आपको पढ़ना है। एक 7वां टॉपिक है स्पेलिंग मिरर। ये जो स्पेलिंग मिरर टॉपिक है, इससे 2017 तक 1 मार्क का भी क्वेश्चन 12 के एग्जाम में नहीं आया, बशर्ते ये 10 के एग्जाम में हर साल पूछा जाता था, और कंपटीशन में भी जैसे सीजीएल के एग्जाम वगैरह में 10-10 मार्क का स्पेलिंग मिरर पूछा जाता है। लेकिन 2018-19-20 में 2 मार्क का 3 मार्क का स्पेलिंग मिरर पूछा गया है। तो ये स्पेलिंग मिरर आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। आपको डबल लेटर वाला, जहां डबल लेटर का प्रयोग होता है, ई का प्रयोग होता है, ऐसे लेटर वगैरह याद रखना है स्पेलिंग मिरर के लिए। मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो उन वर्ड्स को हाईलाइट कर देता हूँ। और आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आसमान और जमीन के बीच में कहीं से भी कोई स्पेलिंग मिरर आपको दे देगा, आप कहां से ऐसे वर्ड का स्पेलिंग बदलेगा, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। ये उन्हीं को लगता है जो अच्छे से सिलेबस नहीं देखते या प्रीवियस ईयर नहीं देखते, कुछ खास वर्ड से वही पूछे जाते हैं। अगर आप ध्यान देके पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे एक तो एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 2017 या 2016 में पूछा गया था ऑलरेडी। अब देखिए, ऑलरेडी सुन के हम लोग को ये लगता है कि ऑल ए डबल एल फिर रेडी लगना चाहिए, आई ए डी वाई, लेकिन जब ऑल में रेडी जुड़ता है तो एक एल गायब हो जाता है। अब अधिकांश बच्चे इसको गलत किए होंगे क्योंकि इसमें एक एल है, वो 2 एल वाले को टिक किए होंगे, तो ऐसा वर्ड पूछा गया था। जैसे कि 2018 में वर्ड पूछा गया था कमिटी, सी ओ डबल एम आई डबल टी डबल ई। अब देखिए, ये वर्ड सब इतने फेमस है, ये कमिटी वर्ड अक्सर क्लास में बताया जाता है कमिटी। इसी तरह जैसे ऑलमोस्ट, जैसे ऑल में मोस्ट लगने पर एक एल गायब हो जाता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो पूछे जाते हैं और बहुत ही ईजी वर्ड होते हैं। अगर आप ध्यान देके पढ़ेंगे तो आसानी से हो जाएगा। और मैं स्पेलिंग मिरर पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें करीब 100-150 वर्ड आपको बताऊंगा। मुझे लगता है बिहार बोर्ड उसी में से पूछेगा और हर साल ही उसी से पूछता है। तो ये स्पेलिंग मिरर अब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। ऐसे भी पढ़ते वक्त आपको ऐसे वर्ड को हाईलाइटेड करने हैं जिसमें डबल किसी चीज का यूज है। जैसे मान लीजिए ऑक्यूपेशन, अब ऑक्यूपेशन पढ़ने वक्त हम लोग को लगता है ओ सी यू, लेकिन ऑक्यूपेशन में ओ डबल सी यू पी ए टी आई वन है, तो ऐसे वर्ड को आपको हाईलाइटेड कर लेना है डबल सी, तो ये एग्जाम में आ सकता है। जैसे इंडिपेंडेंट, अब इंडिपेंडेंट में कहीं ए देके आपको दे देगा। अब इंडिपेंडेंट में क्या है, आई एन डी ई पी ई एन डी ई एन डी, अब हर जगह ई ही है, अब ये एग्जाम में आ सकता है। तो ऐसे वर्ड को आपको फोकस करना है जिसमें हर जगह ई है या डबल सी है, ऐसे वर्ड सब एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि ओकेजन है, अब ओकेजन में आप देखिए डबल सी है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये सब एग्जाम में आ सकते हैं।
ऐसे वर्ड सब आप देखेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, आपको वर्ड देखते ही दिल से आ जाएंगे, ये वर्ड एग्जाम में आ सकता है, उसको आप खुद ही मार्क कर लीजिए। और प्रीवियस नहीं देखेंगे तो आपके मन में हमेशा डर रहेगा, कहां से आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, मन में हलचल रहेगा। लेकिन जो अच्छे से प्रीवियस देखता है उसको पूरे कॉन्फिडेंट रहता है कि मुझे पता है कौन आ रहा है। जैसे एकोमोडेशन है, ए डबल सी होता है, तो ये वर्ड एग्जाम में आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए। जैसे पीस है, ये वर्ड आ सकता है, ऐसा बहुत सारा वर्ड है, वो पढ़ते वक्त आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। सिंथेसिस, अभी एग्जाम में चार चार मार्क का सिंथेसिस से पूछा जाता है, जैसे आपको दो तीन लाइन दे देगा उसको ज्वाइन करना रहेगा, कभी एंड का प्रयोग करके, कभी कभी आपको बट का प्रयोग करके, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस कनेक्टेड वर्ड हैं जो सिंथेसिस में आपको यूज होगा, या सिंथेसिस ऑफ क्लॉज चैप्टर को हम लोग ज्वाइन भी देख सकते हैं। 2017 तक क्लॉज से आता था, जैसे सेंटेंस दे देता था, आपको छांटना होता था इसमें से कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन अब क्लॉज से नहीं आता। अभी 2018-19-20 को अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को एनालाइज करके देखिएगा तो क्लॉज से क्वेश्चन नहीं आता है, सेंटेंस आपको दे देगा उसको जोड़ने के लिए कहेगा, तो आपको सिंथेसिस पे फोकस करना है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में कई सारा छोटा छोटा चैप्टर है जिसे एक आध मार्क कभी आ जाता है, नहीं भी आता है, हालांकि वॉइस नरेशन ये तो फिक्स है, उससे आता ही है, लेकिन इसमें तीन छोटे छोटे चैप्टर है जिससे एग्जाम में आएगा, पहले एक दो मार्क का आता था, अभी किसी बार एक दो मार्क आ भी जाए नहीं भी आएगा, बट आपको देख के जाना है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप एक एक मार्क छोड़ेंगे तो ऐसे में कब 50 मार्क छूट जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे 5 मार्क से बहुत ज्यादा का पूछा जाता है, तो आपको सभी एक एक मार्क को बचाना है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूवल टू, ये सब टॉपिक भी छोटा ही है, अगर आप आधा घंटा ढंग से देख लेंगे तो हो जाएगा, क्लास में भी इन सब टॉपिक पे एक क्लास से ज्यादा नहीं लगता है, और ये सब टॉपिक मैं एक ही क्लास में कवर कर देता हूँ। तो रिमूवल रूल बहुत ही छोटा टॉपिक है, मात्र 2 या 3 रूल है। फिर डिग्री चेंज, आप पढ़े होंगे डिग्री 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कैसे किसमें चेंज होता है उस पर एक आध मार्क आ सकता है। फिर सेंटेंस चेंजिंग, जैसे कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है उसे निगेटिव में बदलना, जैसे निगेटिव से अफर्मेटिव में बदलना, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलना, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलना, ये सब काफी इजी है, और इसमें बहुत सारा रूल ग्रामर में दिया हुआ है, लेकिन उतना नहीं आता, उसमें से फिक्स 1-2 रूल है, और जब से ऑप्शन वाला कर दिया है तब से तो बहुत ही इजी हो गया है। आप आसानी से पता कर लीजिएगा कि कौन आएगा नहीं आएगा अगर आप प्रीवियस ईयर देखिएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक हो गया, और इसके बाद भारत में एक टेंस हो गया और एक लास्ट मोडाल हुआ। 2017 तक तो फिक्स ही था कि 3 नंबर का भर्ब से मोडाल भर्ब से आता था, लेकिन अभी मोडाल भर्ब जैसे कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है, इसे एक आध मार्क आ सकता है, 3 मार्क का भी आ सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इतने जो 11 टॉपिक है वो आपके लिए काफी रेलिवेंट है, ये आपके टिप पे होने चाहिए। 10-11 टॉपिक आपको याद होना चाहिए, एग्जाम रिलेटेड टॉपिक क्या है आप मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है टेंस, आपको पता होना चाहिए, टेंस आप बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे तभी आपको अगला याद होगा। फिर टेंस के बाद प्रीपोजिशन है, फिर आपको नरेशन पढ़ना है, फिर आपको वॉइस पढ़ना है, फिर इसी तरह से आपको आर्टिकल पढ़ना है, स्पेलिंग पढ़ना है, सिंथेसिस पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, क्लॉज पढ़ना है, मोडल भर पढ़ना है। तो एग्जाम रिलेटेड यही 11 टॉपिक है, आप एग्जाम के लिए जब भी तैयारी करते हैं तो इन्हीं 11 टॉपिक को बार बार पढ़ें। फिर मैं आपको इस कुछ छोटी बातें बताना चाहूंगा कि आप इन 11 टॉपिक को, अब देखिए आपका आधा काम तो ऐसे ही होंगे, आपका 50% जो सिलेबस है ग्रामर का वो पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है तो बस ध्यान रखना है, एग्जाम टाइम में नहीं पढ़ना है। अब कोई बच्चा एग्जाम टाइम में नॉन का डेफिनेशन याद कर रहा है तो मीन्स उसे सिलेबस नहीं पता है, वो मेहनत करके जाएगा बट अच्छा मार्क नहीं लाएगा, पर नॉन का डेफिनेशन याद कर रहा है तो उसे अच्छा मार्क नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आप अगर प्रीवियस देखते हैं तो आपको 11 टॉपिक इंपोर्टेंट है, ये 11 ही आपको एग्जाम टाइम में पढ़ना है, आधा काम आपका समाप्त हो गया। अब आपका आधा काम और मैं इजी कर देता हूँ कि इस 11 में भी आपको क्या पढ़ना है। जैसे बच्चे जब भी टेंस पढ़ते हैं, अभी टेंस के टाइप याद करने लगते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, मैं तो बच्चे को यहां तक देखता हूं कि अगर कोई बोलते कि पास्ट टेंस पहले पे है, प्रेजेंट टेंस दूसरा पे, कहते नहीं तुम्हारा गलत है, ये प्रेजेंट पहला होता है, फ्यूचर लास्ट में आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम कभी ये नहीं आएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, तो आपको फिर डेफिनेशन नहीं याद करना है। अभी क्लास में टीचर भी लिखाता है प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन क्या है, बच्चा इंग्लिश डेफिनेशन को बिहार बोर्ड का बच्चा पसीना बहा बहा के याद करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का डेफिनेशन क्या है, द टेंस विच इज कॉल्ड, ऐसे करके अभी इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन से मैं बच्चों को देखता हूँ। ऑनेस्टली मुझे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अच्छे से डेफिनेशन नहीं याद है, बट मैं टेंस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, बिहार बोर्ड का हो, कंपटीशन का हो, यूपीएससी का हो। तो
ट्रस्ट कीजिए आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है, अभी तक मुझे याद करने की जरूरत नहीं हुई है। अभी मुझे डिस्टिंक्शन मार्क है 10th में भी, फिर 12th में भी अच्छा मार्क है, फिर मैंने एसएससी का भी एग्जाम दिया है, तो कहीं मुझे डेफिनेशन की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो आपको टेंस जैसे कि टाइप्स लोग याद करते हैं, जैसे कि डेफिनेशन याद करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कहता है, क्या है, आपको सबसे पहले याद करना है, आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन नहीं याद करने हैं, कॉपी में लिख लीजिए, डेफिनेशन भूल से भी नहीं याद करना है। हाँ, अच्छा लगने के लिए एक बार देख लीजिए, क्लास में टीचर लिखा देता है, कॉपी थोड़ा वजनदार होता है तो लगता है कि पैसा ऊपर हो रहा है, बट आपको डेफिनेशन एक बार बस देख लेना है, आपका इंग्लिश ठीक हो जाएगा ना, तो उसे डेफिनेशन बना लीजिए। बचपन में मैं भी इंग्लिश का डेफिनेशन बहुत ही याद किया था, बट अभी एक भी नहीं याद है, लगता है कितना मेहनत बर्बाद हो गया। अभी जब भी क्लास में जाता हूँ तो अपने मन से नया डेफिनेशन बना लेता हूँ। तो आपको डेफिनेशन से नहीं याद करने हैं। दूसरा टैक्स, टाइप्स आपको पता होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि यही अब नॉन है तो नॉन का पहला टाइप पर नॉन प्रॉपर नॉन ही होगा। अब याद कर रहे हैं पहला प्रॉपर नॉन, दूसरा कॉमन नॉन, आंख बंद कर करके लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट आएगा। अब कोई बच्चा पहले एब्स्ट्रैक्ट नॉन बोल दिया तभी तुम्हारा गलत हो गया, तुमने पहले बोल दिया, पहले प्रॉपर नॉन आता है। अभी ऐसा नहीं, क्योंकि टाइप से एग्जाम नहीं आएगा, आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉन या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। आपको टाइप्स याद रखने हैं, बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर नॉन कहते किसे हैं आप देखते ही पहचान लें, भले आप पांचवा नंबर पे याद किए हो या पहला नंबर पे, लेकिन आपको देख के पता चलना चाहिए ये आपको। अगर किसी का पूरा डेफिनेशन याद है, अच्छे से कलर करके याद किया है, बट देख के पहचान ही नहीं पा रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नॉन कौन सा है और प्रॉपर नॉन कौन सा है, तो उसका सब टाइम वेस्ट चला गया। और कोई दूसरा बच्चा है जिसे कि डेफिनेशन नहीं याद है, बट देख के उसे पता चल जाता है ये प्रॉपर नॉन है, अभी देख के उसे समझ में आ रहा है कि डॉग कॉमन नॉन है, राम प्रॉपर नॉन है, तो उसका काम हो गया, डेफिनेशन नहीं याद करना है। लेकिन अगर कोई बच्चा डेफिनेशन याद करके रखा है बट उसे पता ही नहीं है कि डॉग कॉमन नॉन है कि प्रॉपर नॉन, उसे डेफिनेशन पूछो फटाफट बता देगा, बट डॉग पूछो क्या है नहीं पता चल रहा है, तो उसका वेस्ट चला गया। तो आपको ये पता होना चाहिए टाइप्स अगर याद तो करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर भी याद करना है। तीसरा आपको याद रखना करना क्या है, ये याद रखना एप्लीकेशन, किसी भी चीज का एप्लीकेशन, एग्जाम एप्लीकेशन बेस्ड हो गया है। 10 को पहले होता था कि डेफिनेशन टाइप्स पूछे जाते थे, बच्चा क्लास में पूछा जाता था डेफिनेशन टाइप्स प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहचान क्या है, लेकिन आप 10th के बाद 10th 12th और जितने भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा एप्लीकेशन पूछेगा मेरे दोस्तों, एप्लीकेशन पूछा जाता है, आप एप्लीकेशन पे फोकस कीजिए। जब भी आप पढ़ते हैं तो एक चीज गौर कीजिए, आप नॉन पढ़ रहे हैं सेंटेंस लिखिए फटाफट, अभी देखिए नॉन पहचान में आ रहा है, राम जी बुद्ध हुआ है, कौन सा एडजेक्टिव है इसमें, कौन सा वर्ब है, क्या एक्जुलरी वर्ब है, ऐसा नहीं कि डेफिनेशन पूरा रट लिया है लाइन में समझ में ही नहीं आ रहा है, आप लाइन उठाइए और उसमें स्पॉट कीजिए, हाईलाइटेड कीजिए कि मींस कौन सा इसमें एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है, कौन सा टेंस है। तो आपको एप्लीकेशन पे फोकस करना है। हमारे एग्जाम में एक ही जैसा क्वेश्चन एप्लीकेशन से आता है, कोई डेफिनेशन नहीं, कोई टाइप्स नहीं, कोई पहचान नहीं, तो आपको एप्लीकेशन पे फोकस करना है। और कैसे आप एप्लीकेशन पे फोकस करेंगे वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा कितना इजीली आप समझते हैं और आपको लगेगा कि कितना इजी है, टीचर सब या कोई भी स्टूडेंट कितना भारी बना के रखा है इसको, उतना भारी है नहीं एक्चुअली अभी। तो आपको सबसे पहले ये क्लियरली पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत मेहनत करते हैं और बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, और टीचर सब भी बहुत ही मेहनत कर करके पढ़ाते हैं, और बच्चों को लगता है इतना मोटा सिलेबस है इंग्लिश में, मैं बच्चों को देखता हूँ इसलिए बच्चे इंग्लिश रखते भी नहीं है, मैं बच्चों को देखता हूँ ऐसा बच्चा जो 10th में इंग्लिश में फेल है 12th में आता है और 90+ मार्क लाता है, क्यों, क्योंकि जब उसे चीजें पता चल जाती है कि यहाँ सब आता है तो आसानी से कर लेता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि एग्जाम रिलेटेड कौन सा टॉपिक है, हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इससे कई सारा जानकारी मिला होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी टॉपिक इसमें समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको क्लियरली अलग से आपको बताऊंगा। और इन सभी टॉपिक्स पे मैं सेपरेटली कई सारा वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि इन 12-13 टॉपिक्स पे, और आपको ईच एंड एवरी टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे ही कई सारे टॉपिक्स में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि जीके जीएस को लेकर, जैसे कि कंपटीशन में क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, एसएससी सीजीएल, जैसे कि रेलवे का एग्जाम, डिफेंस का एग्जाम, इस समय हमें पढ़ना क्या चाहिए। अभी जैसे कि कंपटीशन का एग्जाम ही सुन के बहुत सारे लोग तो बोलता है कि यूपीएससी है, जैसे कि एसएससी सीजीएल है, तो आसमान और धरती के बीच से कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं पढ़े लिखे लोगों को देखता हूँ कि ऐसे बोलते हैं कि आसमान और धरती के बीच में जो है कुछ भी आता है, ऐसा नहीं है, लिमिटेड सिलेबस है, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस है, और उससे एक भी नंबर का बाहर नहीं आता है, ट्रस्ट नहीं, 3-4 बुक आप पढ़ लीजिएगा तो आपको हो जाएगा।
तो वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि किसी भी चीज का तैयारी करने में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करने हैं और क्या नहीं करने हैं, क्योंकि मेहनत करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज्ञान से सागर की तरह दुनिया भरा हुआ है, ज्ञान गंगा में डूबना नहीं है, हमें उसमें से मोती छान लेना है जो एग्जाम के लिए जरूरी है और एग्जाम क्रैक करना है। और क्योंकि एग्जाम क्रैक करने वाले बच्चे दूसरे होते हैं, पढ़ते तो सभी हैं बट डिस्टिंक्शन मार्क बहुत कम ही स्टूडेंट को आता है, तो आपको उस तरीके से पढ़ना है कि स्मार्टली पढ़ना है, कम मेहनत में आपको अच्छे मार्क आए। तो होप आप लोग लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे होंगे, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, अपने मम्मी पापा के साथ रिलेशन को बेहतर कीजिए, और आप भी देश के लिए कभी योद्धा की तरह ही हैं, घर पे पूरा वक्त दीजिए और हमारे वीडियो के माध्यम से आप स्टडी को भी एंजॉय कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर भी कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा और एंजॉय कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। हैप्पी लर्निंग। आपका एक्सेलेंस क्लासेस बिरोल में हमेशा वेलकम है। थैंक यू।